गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना रेस्पिरेशन चैप्टर चल रहा था। कौन सा रेस्पिरेशन चैप्टर अपने स्टार्ट कर दिया था, वो लगभग लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। तो आज अपन इसको आगे करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज इसकी, अपन रेस्पिरेशन चैप्टर की क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज अपन इसकी? फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करना ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट RUHS इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी प्रोवाइड हो सके। तो चलते हैं दोस्तों कहाँ पर, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा हो तो वीडियो में एक एक लाइन आपको नोट करवा रहा हूँ, तो नोट करते चलिएगा साथ के साथ। जब क्लास कंटिन्यू रहे तो साथ के साथ नोट करते रहेगा दोस्तों को। अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो कोई भी छूट जाता हो तो, और वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लेना एक बार। तो चलते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। क्या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना तथा बाहर निकलना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना तथा बाहर निकलना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है। ये क्या एक अनैच्छिक प्रक्रिया होती है? क्या होती है? रेस्पिरेशन एक सामान्य ब्रीथिंग एक अनैच्छिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है रेस्पिरेशन? एक क्या होती है रेस्पिरेशन? एक अनैच्छिक प्रक्रिया होती है जो किस पर निर्भर करती है? दाब प्रवणता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? दाब पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? दाब पर निर्भर करती है। तो क्या है कि फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? रेस्पिरेशन एक अनैच्छिक क्रिया है जो कि दाब पर निर्भर करती है। किस पर? दाब पर निर्भर करती है। कहाँ से जाएगी? अधिक दाब से किस ओर? कम दाब की ओर। कहाँ से? अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। तो दाब पर कैसे निर्भर करती है? अधिक दाब से कहीं जाएगी, कम दाब की ओर जाती है। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देख लेते हैं, दो पदों में संपन्न होती है। मानव में जो कि रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, दो पदों में संपन्न होती है। दो पद कौन से? एक तो हो गया इंस्पायरेशन। क्या हो गया? इंस्पायरेशन। और एक हो गया एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। निःश्वसन। इंस्पायरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निःश्वसन। क्या हो गया? निःश्वसन। और एक्सपायरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च श्वसन। क्या? उच्च श्वसन। क्या कहते हैं इसे? उच्च श्वसन कहते हैं। तो निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन यानी वायु का ग्रहण करना। पहला पद कौन सा है? निःश्वसन। कौन सा? निःश्वसन। पहला पद कौन सा? निःश्वसन यानी एक्स इंस्पायरेशन यानी वायु का ग्रहण करना। वायु का ग्रहण करना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। सामान्य इंस्पायरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। सामान्य इंस्पायरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? इंस्पायरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। नोट करते चलना साथ के साथ। सामान्य इंस्पायरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद में ब्रीथिंग का केंद्र मस्तिष्क के कहाँ होता है? मेडुला आवला गेटा भाग में होता है। कहाँ पे होता है ब्रीथिंग का? मेडुला आवला गेटा भाग में होता है। श्वसन केंद्र क्या होता है? मेडुला आवला गेटा भाग में होता है।
इसके अंतर्गत इंस्पायरेशन के अंतर्गत कौन कौन सी पेशियां काम करती है वो देखते हैं अपन को। इंस्पायरेशन के अंतर्गत दो पेशी काम करती है, कौन सी? एक तो होती है कौन सी, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स। दो कौन सी? दो मसल्स, कौन सी? एक तो एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स, कौन सी? एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स, कौन सी? एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल, कौन सी? पहली मसल कौन सी है? एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल। ये काम करती है किस में? इंस्पायरेशन में। पहली कौन सी है? एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल। पसलियों के बीच में कितनी होती है? 11 जोड़ी होती है। इनमें संकुचन उत्पन्न होने पर क्या होती है? एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल कितनी जोड़ी होती है? 11 जोड़ी होती है। इनमें संकुचन उत्पन्न होने पर रिब्स तथा स्टर्नम, रिब्स तथा स्टर्नम अपवर्ड यानी अपवर्ड और फॉरवर्ड ऊपर तथा आगे की ओर, यानी ऊपर ऊपर तथा आगे की ओर गति करता है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन किसमें? डोर्सो वेंट्रिकल एक्सिस में बढ़ता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है किसमें वक्षीय गुहा का आयतन कहाँ बढ़ता है? डोर्सो वेंट्रिकल एक्सिस में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? डोर्सो वेंट्रिकल एक्सिस में बढ़ता है, डोर्सो वेंट्रिकल एक्सिस में बढ़ता है। तो नोट करते चलिए कि कौन सी मसल्स? एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स यूज होती है, जिससे क्या होता है? कितनी जोड़ी होती है? 11 जोड़ी होती है, जो कि रिब्स तथा स्टर्नम को क्या करती है? अपवर्ड और फॉरवर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपवर्ड और फॉरवर्ड ऊपर तथा आगे की ओर गति करता है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन क्या करेगा? कुल मिला के क्या होगा? बढ़ेगा। किसमें? कौन सी एक्सिस में बढ़ेगा? डोर्सल वेंट्रिकल एक्सिस में बढ़ता है। दूसरी मसल्स कौन सी है? दूसरी मसल्स जिसमें यूज होती है कौन सी? रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम। कौन सी मसल्स यूज होती है? रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, कौन सी? रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, कौन सी यूज होती है? रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम यूज होती है। इन पेशियों में संकुचन उत्पन्न होने पर वक्षीय गुहा का आयतन किसमें बढ़ता है? एंटीरियर पोस्टीरियर अक्ष में बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उससे काम कौन से एक्सिस में बढ़ता था? उससे बढ़ रहा था डोर्सो वेंट्रिकल एक्सिस में बढ़ता था, जबकि इससे क्या, इस मसल से किस में बढ़ता है? एंटीरियर पोस्टीरियर अक्ष में बढ़ता है। तो कुल मिला के क्या होता है? कुल मिला के इंस्पायरेशन में क्या होता है? आयतन क्या करेगा? बढ़ता है। क्या होता है? कुल मिला के क्या होता है? आयतन बढ़ता है। अब इसके अपन जो ये देख लेते हैं क्यों कौन कैसे इसका आयतन बढ़ता है। पहला आता है वक्षीय गुहा का कुल आयतन बढ़ता है। क्या होता है इसमें? वक्षीय गुहा का कुल आयतन क्या होता है? बढ़ता है। वह आपने बता दिया कौन कौन से? डोर्सल वेंट्रिकल अक्ष में और एंटीरियर पोस्टीरियर अक्ष में बढ़ता है। तो क्या होगा? कुल मिला के क्या हो गया? आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ने से क्या हो गया? फेफड़ों पर दबाव क्या हो गया? कम हो गया। फेफड़ों पर दबाव कम होने से स्पंज प्रकृति के फेफड़े के कारण क्या होते हैं? फैल जाएंगे। फैल जाएंगे कि तो क्या हो जाएगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया? कम हो जाएगा। कौन सा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया? कम हो जाएगा। तो वातावरणीय वायु क्या हो जाएगी? नेगेटिव प्रेशर के साथ क्या हो जाएगी? खींच ली जाएगी और क्या हो जाएगा? इंस्पायरेशन हो जाएगा। ये क्या एक एक्टिव प्रोसेस है? क्या एक एक्टिव प्रोसेस है? ये क्या एक एक्टिव प्रोसेस है? क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। ये क्या एक एक्टिव प्रोसेस है? तो क्या हुआ? कुल मिला के वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो गया? कुल मिला के वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो गया? बढ़ता है। कौन से? एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में और एक डोर्सल वेंट्रिकल एक्सिस में बढ़ता है, जिससे क्या होगा? फेफड़ों पर दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़ों पर दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण फेफड़े क्या होंगे? फैलते हैं, क्योंकि फेफड़े क्या होते हैं? स्पंजी प्रकृति के होते हैं, इसलिए क्या हो गया? फेफड़े फैलना शुरू हो जाएंगे। फैलना शुरू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होता है, कौन सा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी? वातावरण वायु है वो क्या हो जाएगी? अंदर खींच ली जाएगी। किससे? नेगेटिव प्रेशर के द्वारा
अंदर खींच ली जाती है उसे क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। ये क्या एक इंस्पायरेशन क्या एक एक्टिव प्रोसेस है। इसकी समयावधि कितनी होती है, इंस्पायरेशन कितनी सेकंड में होता है, 2 सेकंड में होता है, कितनी सेकंड में होता है, इम्पोर्टेंट है इंस्पायरेशन 2 सेकंड में होता है और एक्सपायरेशन 3 सेकंड में होता है। इंस्पायरेशन 2 सेकंड में होता है और एक्सपायरेशन 3 सेकंड में होता है। तो इसमें कौन सी मसल्स, 2 मसल्स यूज होते हैं अपने, कौन कौन सी 2 मसल्स इसमें यूज की, इंस्पायरेशन में 2 मसल्स यूज होती है, कौन सी, एक तो एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स जो कि डोर्सो वेंट्रिकल एक्सिस में क्या करती है, आयतन बढ़ा रही थी। उसके बाद में एक दूसरी मसल्स कौन सी, रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम जो कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्स में इसका आयतन बढ़ा रही है। तो इसमें 2 मसल्स यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, एक्सपायरेशन यानी उच्छ्वसन क्या होती है, एक पैसिव प्रोसेस होती है, क्या होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। एक्सपायरेशन क्या होती है, एक पैसिव प्रोसेस होती है जो 3 सेकंड में होती है, यानी वायु का बाहर निकालना क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। इसमें देखते हैं उपरोक्त लिखित दोनों प्रकार की, जो ऊपर अपने 2 मसल्स पड़ी कौन सी, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स और रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, उन दोनों प्रकार की पेशियों में अनुशीतलन होने पर, कौन सा, अनुशीतलन होने पर डायफ्राम पुनः गुब्बदनुमा हो जाता है तथा रिब्स ऑफ स्टर्नम अपनी वास्तविक स्थिति में लौट जाते हैं। क्या होता है, जो ऊपर अपने 2 मसल्स पड़ी थी कौन कौन सी, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स और रेडियल मसल्स, उनमें अनुशीतलन होने पर, कौन सा, अनुशीतलन होने पर डायफ्राम पुनः क्या हो जाता है, गुब्बदनुमा हो जाता है तथा रिब्स व स्टर्नम अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाता है। ये क्या है, एक्सपायरेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है जो 3 सेकंड में होता है। इसमें देखते हैं क्या होता है आगे, इसमें क्या कि कुल मिला के क्या होगा, अनुशीतलन होगा तो वक्ष्य हुआ क्या होगा, आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। कुल मिला के क्या हो जाता है, आयतन घटता है उसमें आयतन बढ़ता है। तो आयतन क्या हो गया, आयतन घटने के कारण फेफड़ों पर क्या हो गया, दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने के कारण स्पंज प्रकृति के फेफड़े क्या हो गए, सिकुड़ जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वायु मार्ग से होती हुई क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा, 3 सेकंड का होता है। अब नोट करके लिखो एक चीज़, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी होती है एडल्ट में, नोट लिखो, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है एडल्ट में कितनी, 12 से 16, कितनी होती है, 12 से 16 बीट पर मिनट, कितनी होती है, 12 से 16 बीट पर मिनट होती है। जबकि बच्चों में कितनी होती है, बच्चों में होती है 30 से 40 बीट पर मिनट, बच्चों में कितनी होती है, 30 से 40 बीट पर मिनट। देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, नेक्स्ट, फोर्सफुली ब्रीथिंग बलपूर्वक श्वसन कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी अतिरिक्त मसल्स यूज होती है वो देखते हैं। बलपूर्वक श्वसन के अंतर्गत 2 अतिरिक्त पेशियां काम आती है, कौन सी, 2 अतिरिक्त पेशियां भी यूज होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है एब्डोमिनल, कौन सी, एब्डोमिनल मसल्स, और एक होती है इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल्स। वहाँ कौन सी थी, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल थी, यह कौन सी है, इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल्स यूज होती है। 2 पेशियां होती है जो बलपूर्वक श्वसन में अतिरिक्त यूज होती है, कौन सी, उदरीय पेशियां जिसे एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं और इंटरनल इंट्राकोस्टल्स मसल्स। यहाँ कंफ्यूज मत होना आप, वहाँ एक्सटर्नल थी, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल थी कहाँ पे, नॉर्मल श्वसन में, बलपूर्वक में कौन सी है, इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल्स यूज होती है। ये क्या करती है, क्या कार्य करती है ये मसल्स क्या कार्य करती है, ये करती है जिसमें उदरीय अंग ऊपर की ओर गति करते हैं तथा डायफ्राम गुब्बदनुमा हो जाता है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाएगा,
वक्षीय गुहा का आयतन और अधिक कम हो जाता है तथा इंट्रापल्मोनरी दाब क्या हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी दाब अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, इंट्रापल्मोनरी दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे अधिक मात्रा में तेजी के साथ बाहर निकल जाती है क्या, श्वसन, क्या, वायु, क्या क्या बलपूर्वक जो श्वसन बताया गया है अपन को उसके अंतर्गत ये याद रखने की जरूरत है इसमें अपन को कि कौन सी अतिरिक्त दो पेशियाँ यूज होती है बलपूर्वक श्वसन में, कौन सी होती है, एक तो एब्डोमिनल मसल्स और एक इंटरनल इंट्राकोस्टल्स मसल्स यूज होती है, इंपॉर्टेंट है ये नोट। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्या अब देख लेते हैं अपन क्या, दाब कहाँ पे कितना दाब है ये देख लेते हैं अपन इस डायग्राम से। अपन दाब देख लेते हैं, अपन ने अभी देखा था जो वायु होती है वो कहाँ से, अधिक दाब से कहाँ जा रही थी कम दाब की ओर जाती है। तो अपन प्रेशर देख लेते हैं कहाँ पर कितना प्रेशर होता है। नॉर्मली एटमोसफियर प्रेशर कितना होता है, नॉर्मली एटमोसफियर प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg, कितना होता है 760 होता है, कितना नॉर्मली एटमोसफियर प्रेशर जो वातावरण का जो प्रेशर होता है नॉर्मली कितना होता है 760 mm ऑफ Hg किसमें होता है, mm ऑफ Hg में होता है, कितना 760 नॉर्मली प्रेशर होता है वातावरण का। अपन को जो डायग्राम है उसमें क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है कूपी का एलोलाई है, ये जो नीचे नज़र आ रहा है क्या है कोशिका ठीक है, ये क्या अपना हार्ट, क्या है हार्ट, हार्ट से निकल रही है पल्मोनरी वेन। तो अब प्रेशर देखते हैं अपन कहाँ पे कितना प्रेशर पाया जाता है, बाहर O2 कितनी परसेंट पाई जाती है वातावरण में, नॉर्मली O2 21% पाई जाती है, कितनी O2 वातावरण के अंतर्गत बाहर नॉर्मली 21% पाई जाती है। CO2 कितनी होती है वातावरण में 0.03, कितनी होती है 0.03% होती है, कितनी होती है 0.03% होती है। बाहर प्रेशर कितना होता है O2 का प्रेशर कितना होता है 169 mm Hg होता है, जबकि CO2 का कितना होता है 0.4 होता है, कितना होता है 0.4 होता है। तो बाहर O2 का प्रेशर ज़्यादा है तो क्या आ जाएगी, अंदर जाके कहाँ जाएगी कूपिका के अंदर चली जाएगी, फेफड़ों की कूपिका में PO2 कितना होता है 104, क्या होता है 104 mm Hg होता है, जबकि PCO2 कितना होता है 40 mm ऑफ Hg होता है, कितना होता है कूपिका के अंदर O2 का प्रेशर 104, CO2 का प्रेशर 40 होता है। अब यहाँ से कहाँ जाएगी पल्मोनरी वेन में कितना होता है PO2 कितना होता है 95, पल्मोनरी वेन में PO2 कितना होता है पल्मोनरी वेन में 95, कितना होता है 95 होता है, जबकि PCO2 कितना होता है 40, कितना होता है 40। उसके बाद में नीचे आ गया, यह क्या हो गया पल्मोनरी वेन, ये क्या है सिस्टमिक आर्टरी में कितना होता है PO2, सिस्टमिक आर्टरी में PO2 कितना होता है 95, क्या हो रहा है 95, PCO2 कितना होता है वही 40 होता है। अब आते हैं यहाँ पे क्या होता है, यह क्या कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा अधिक दाब से कम दाब की ओर, तो कोशिका में क्या हो जाएगा O2 का दाब क्या होता है कम होता है,
तो O2 तो किस में चली जाएगी, कोशिका में, और कोशिका से CO2 कहाँ जाएगी, किस में आ जाएगी, इसमें सिस्टमिक वेन में आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, सिस्टमिक वेन में आ जाएगी। तो O2 ये तो फिर क्या हो जाएगा, PO2 क्या हो जाएगा 40, और PCO2 कितनी हो जाएगी यहाँ पर 45 हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये आगे जाएगा यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा वापस, तो ये कितना हो जाएगा PO2 40 और PCO2 45। तो इस प्रकार से दाब होता है, क्या होता है, प्रेशर होता है। तो जो वायु होती है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है, सिस्टमिक वेन है, ये क्या है, सिस्टमिक आर्टरी है, क्या है, सिस्टमिक आर्टरी है। तो नॉर्मली प्रेशर याद रखना, पल्मोनरी वेन में कितना प्रेशर होता है, पल्मोनरी आर्टरी में कितना प्रेशर होता है, सिस्टमिक वेन में कितना होता है, सिस्टमिक आर्टरी में कितना प्रेशर होता है, और वायु का प्रेशर कितना होता है कूपिका के अंदर, O2 का प्रेशर कितना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये नॉर्मली पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, इम्पोर्टेंट है ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 109% एक क्वेश्चन आता है, कहाँ से, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से। श्वसन के दौरान ग्रहण की गई व त्यागी गई वायु का आयतन क्या कहलाता है, श्वसनी आयतन कहलाता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो गई, श्वसन के दौरान ग्रहण की गई व त्यागी गई वायु का आयतन क्या कहलाता है, श्वसनी आयतन कहलाता है। कितनी होती है, पहली होती है, पहली कौन सी, पहली नोट करो टाइडल वॉल्यूम, पहली कौन सी, टाइडल वॉल्यूम, पहली कौन सी, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं टाइडल वॉल्यूम की। सामान्य श्वसन के दौरान त्यागी गई व ग्रहण की गई वायु का आयतन कितनी होती है, सामान्य श्वसन, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, सामान्य श्वसन के दौरान ग्रहण की गई व त्यागी गई वायु का आयतन कितना होता है नॉर्मली, 500 ml, कितना होता है नॉर्मली, 500 ml। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है आरयूएस एंट्रेंस एग्जाम में, तो यहाँ ध्यान से पढ़ना, अच्छे से नोट करना। टाइडल वॉल्यूम की क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम होती है सामान्य श्वसन के दौरान त्यागी गई व ग्रहण की गई वायु का आयतन क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml, कितनी होती है, नोट लिख लेना, 500 ml, कितनी होती है, 500 ml। उसके बाद में नेक्स्ट आती है कौन सी, नेक्स्ट आती है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कौन सी, इंस्पायरेटरी IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितनी, सामान्य श्वसन के उपरांत बलपूर्वक इंस्पायरेशन के दौरान ग्रहण की गई वायु का आयतन क्या कहलाता है, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। कौन सा, सामान्य श्वसन के उपरांत बलपूर्वक तरीके से ग्रहण की गई वायु का आयतन कौन सा क्या कहलाता है, IRV कहलाता है। तो IRV कितनी होती है नॉर्मली, नॉर्मली होती है ये 2500 से 3000 ml, कितनी होती है, 2500 से 3000 ml होती है, कितनी होती है, 2500 से 3000 ml होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना। उसके बाद में आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, कौन सी, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सामान्य श्वसन के उपरांत बलपूर्वक श्वसन के दौरान त्यागी गई वायु का आयतन कितना होता है, ये क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना होता है, यह होता है 1000 से 1100 ml, कितना होता है, 1000 से 1100 ml
होता है। कितनी होती है ERV? ERV कितनी होती है? 1000 से 1100। नोट करते चलना, IRV हो गया, ERV हो गया। अब आती है कौन सा, पांचवा, रेसिडुअल वॉल्यूम। कौन सी? RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। RV कितनी होती है? RV होता क्या है? बलपूर्वक एक्सपायरेशन के उपरांत शेष बची वायु का आयतन। क्या? जिससे स्पायरोमीटर द्वारा मापा नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। जब अपन बलपूर्वक एक्सपायरेशन कर देते हैं, उसके बाद भी कुछ वायु होती है जो फेफड़ों में रह जाती है, उसे क्या, जिससे स्पायरोमीटर द्वारा मापा नहीं जाता, वो कितनी मानी जाती है? वो मानी जाती है 1100 से 1200 ml। कितनी? 1100 से 1200 ml। तो RV कितनी होगी? 1100 से 1200 ml। इस प्रकार से ये चार वॉल्यूम होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है टाइडल वॉल्यूम, एक हो गया रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक रेसिडुअल वॉल्यूम। ये चार वॉल्यूम होती है। कितनी? चार वॉल्यूम होती है। तो टाइडल कितनी होती है? 500 ml। IRV कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। ERV कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 1100 से 1200 ml होती है। इस प्रकार ये हो गया। उसके बाद में आते हैं अपन कैपेसिटी चेक करने में। क्या कैपेसिटी? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो चेक करते हैं वो कैसे करते हैं? ये वॉल्यूम अपन ने बता दी। अब देखेंगे अपन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। पहले देखते हैं IC। क्या देखेंगे? IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो IC के अंतर्गत क्या आएगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंतर्गत क्या आ गई? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। कौन सा? टाइडल वॉल्यूम और IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? IC का निर्माण करती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का निर्माण करती है। तो ये कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी? 500। और IRV कितनी होती है? 2500 से 3000। तो टोटल कितनी हो गई है? टोटल हो गई है 3000 से 3500 ml। कितनी? 3000 से 3500 ml। ये क्या होगी? IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसमें दो आ गया, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV को जोड़ देंगे। उसके बाद में आता है EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कितनी होती है? इसमें भी वही, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, जिससे क्या आ जाएगी? EC आ जाएगी। कितनी आएगी EC? EC वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है? 1000 से 1100 ml। तो ये 1500 से 1600 ml आ जाएगी। ये क्या होगी? AC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, क्या वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी कौन सी? वाइटल कैपेसिटी VC। वाइटल कैपेसिटी कौन कौन सी होती है? वाइटल कैपेसिटी में आ गया क्या? एक तो हो गया टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती है? वाइटल कैपेसिटी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वाइटल कैपेसिटी का निर्माण करती है। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या किया गया? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV और ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद में टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC। TLC कौन सी? टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी चारों जो अपन ने पढ़ी थी वो चारों इसमें आ जाएगी। तो क्या जाएगा? जो चार अपन ने पढ़ी थी, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और RV, ये चारों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। उसके बाद में चलते हैं, क्या लास्ट है इसमें? FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC,
फंक्शनल रेसिडल कैपेसिटी सामान्य एक्सपायरेशन के उपरांत शेष बची वायु का आयतन, सामान्य एक्सपायरेशन के उपरांत शेष बची वायु का आयतन। इसमें क्या हो गया एफआरसी में, क्या एक तो एआरवी और एक रेसिडल वॉल्यूम को जोड़ देंगे, क्या एआरवी प्लस आरवी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा फंक्शनल रेसिडल कैपेसिटी आ जाएगी। इस प्रकार से रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, समाप्त हो गई। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा, इन वॉल्यूम से 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा इन वॉल्यूम से। तो इन वॉल्यूम्स को अच्छे से याद कर लेना, चार प्रकार से, चार बताई थी कौन सी, टाइडल, आईआरवी, एआरवी और रेसिडुअल वॉल्यूम, चार है, चारों को अच्छे से याद कर लेना, कौन सी कितनी होती है। उसके बाद में कैपेसिटी में कौन कौन सी को किसको जोड़ते हैं वो याद कर लेना, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछेगा आरएचएस एंट्रेंस एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।